तो सपनों की भीड़ में हम उम्मीद लिए भागे, चलिए मैं आप सबको ले चलता हूँ सितारों से आगे। कहते हैं कुछ लोग टाइम ट्रैवलर होते हैं, ना हो सकता है कोई आप जैसा दिखता हो, मुझ जैसा दिखता हो, जो समय के आर पार जाके सब देख लेता है, वो होता है कि नहीं, नहीं पता, पर हम सब सितारों के आगे चलते हैं। कहते हैं सितारों से आगे जहां जहां और भी हैं, ये तुम ही नहीं हो, ये हम ही नहीं हैं, वहां और भी हैं। वहां जहां पहुंचने की कोशिश हमने दिनों रात की, आसमां में बैठकर ले रहे हैं तस्वीर पूरे कायनात की। तस्वीर जिन्हें देखकर आते हैं मन में सवाल बहुत, सुना है रोशनी को यहां तक आने में लग जाते हैं साल बहुत। यानी कि ये दूसरी दुनिया का अक्स, उड़ते पत्थरों का रक्स, ये जो सितारों का ताज देख रहे हैं, ये सब कुछ बीत चुका है, हो चुका है, हम आज देख रहे हैं। यानी कि हमारी जी हुई कहानियां कहीं और बयां भी होगी, जो हमसे पीछे चल रही हो, ऐसी भी एक दुनिया तो होगी, जहां इंसान देख सकता है वो कितना कामयाब हुआ, हार चुका, जीत चुका है, जहां वो सब कुछ हो रहा है जो यहां बीत चुका है। तो इंसानी विज्ञान की पहुंच को परखने के लिए मैं जाना चाहूंगा हर उस दुनिया में जो हो चुका है, वो सब देखने के लिए मैं देखना चाहूंगा कि कितनी जद्दोजहद थी, अपने घरों से निकले कैसे थे, यहां पहुंचे कैसे थे, आप सब यहां आने से पहले हम सब के बारे में सोचे क्या और कैसे थे। मैं देखना चाहूंगा वो लम्हा जब किसी से आखिरी बार गले मिलने की याद भी मेरे जहन से निकल गई थी, क्या सच में उस वक्त मेरे आसपास की दुनिया बदल गई थी। मैं देखना चाहूंगा वो दिन जब मेरी पहली कविता के दूसरे तीसरे शब्द कागज पर थे, क्या फूलों ने अंगड़ाई ली थी, क्या मौसम बदला था, क्या जमीन पर बादल थे। मैं देखना चाहूंगा वक्त बेवक्त काम ना आने वाले वो रिश्तेदार कहाँ गए, जो एक बार गले लगे फिर मिले नहीं, वो अजनबी यार कहाँ गए। मैं शायद देखूं वो दिन जब छोटे तौलिए में लिपटे हम अपने पुराने घर आए थे, सब कहते हैं पापा रो पड़े थे, क्या सच में उनके नैन भर आए थे। जिसकी एल्बम तक नहीं बनी वो माँ पापा की शादी देख लूं, कैसे दिखती थी जवानी में वो बूढ़ी दादी देख लूं, या फिर देखूं वो दिन जब कुछ कर दिखाऊंगा पापा बंबई की ट्रेन में ये कहकर आए थे, क्या सच में नदी पार करके पढ़ने गए थे, क्या सच में 20 रुपए लेकर आए थे। और भी पीछे जाकर कितना झूठ कितना सच देख लूं, जो कुछ किताबों में पढ़ाया गया है कितना कुछ देख लूं। मैं देखना चाहूंगा वो लड़ाइयां जो लड़ी गई तक तो ताज से सवरने के लिए, कैसे थे वो लड़ाके जो लड़ जाते मर ही जाते दुनिया पर राज करने के लिए, सिकंदर ने जो पूरे नहीं किए वो सारे ख्वाब देख लूं, कैसे दिखते थे भगत शिवाजी राणा प्रताप देख लूं। मैं देखूं कि मजहब के किताबी किससे सबसे पहले सुनाए किसने थे, ये मिस्र की इमारतें नदियां पहाड़ झरने कहां से आए, बनाए किसने थे। मैं देखूं कि जब पहली बार सेब गिरा था तो न्यूटन ने और क्या क्या सीखा था, उस वक्त आसमान में कितने सितारे थे जब गैलीलियो ने उसे पहली बार देखा था, किसने बख्शे इस सरजमीं को समंदर तला तुम ये सितारों के उजाले, कौन सा खुदा था तब, किसने रखा था ये सब संभाले, किसने बनाया कुछ नहीं से सब कुछ, ये किसकी जरूरत थी, क्या इस धरती पे जब इंसान नहीं थे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और क्या ये झूठ है कि सब कुछ शुरू हुआ था एक धमाके से, शोर से, और सच तो ये है कि कोई ये सब बना रहा है बैठकर कायनात की दूसरी छोर से। जब कुछ भी नहीं रहे बचे दुनिया में समझने जताने बताने के लिए, तो फिर मैं लौट आऊं तुम्हें वो सारे किस्से फिर से सुनाने के लिए। तब समझ आएगा कि सवाल पूछने वाली भीड़ सवाल में ही उलझ जाती है, और जिंदगी हो या दुनिया, जितने पीछे चलो उतनी ज्यादा समझ में आती है। तब तक तुमको लगेगा कि मैं खुशी की खुमारी में पागल हो चुका हूँ, शायद खुमारी का बादल हो चुका हूँ, ये भी कहोगे कि नशे में हूं, शायद बहक चुका हूं मैं, पर क्या पता असलियत तो ये है कि तुमने जो सुना वो सवाल नहीं सच थे, और ये सब कुछ देख चुका हूं मैं। क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये तुम ही नहीं हो, वहां और भी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इलॉन मस्क करवाए ना करवाए, मैंने तुम्हें स्पेस टूल करवा दिया पूरा।